सो क्वेश्चन ये था कि भैया मेरी 75% है इन क्लास 12th, मेरी 80% है इन क्लास 12th, तो क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? यार अब कमेंट्स में सब लोग अपनी परसेंटेज बताएंगे तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा कि मैं आपका एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, एंड मैं कोई कहने वाला होता भी नहीं हूँ कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जिसके लिए मैं आपको पहले वॉर्न कर रहा हूँ, ये गलती बिल्कुल मत करना, अपनी परसेंटेज गलत मत बताना उनको। यानी कि अगर जितनी भी सब्जेक्ट में आपकी जो भी परसेंटेज मिला के आ रही है वो एज इट इज़ लिख देना, भले ही वो 75 हो, 65 हो या 55 हो। अगर आपने कुछ चलाकी करने की कोशिश करी, यानी कि आपकी 75 और आप 80 लिख के आ गए, एंड जब उन्होंने आपसे अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए तो उन्होंने खुद चेक किया एंड आपकी 75 आ रही है एंड 80 नहीं है, यानी कि आपने बेसिकली झूठ बोला था उनसे, तो उस केस में अथॉरिटीज़ के पास पूरा पूरा राइट होता है कि वो आपका एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, 80 के ऊपर अगर आपकी परसेंटेज है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई दिक्कत ज़्यादातर केसेस में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी 80 से परसेंटेज नीचे है इन क्लास 10th एंड 12th, तो बस ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल होप छोड़ देनी है कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप अच्छा परफॉर्म करो इन योर इंटरव्यू एंड योर एंट्रेंस एग्जाम, देन बिल्कुल आपका एडमिशन हो सकता है, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। बस अपनी परसेंटेज उनको गलत मत बताना, टॉप 4 टॉप 3 के चक्कर में मत पड़ना, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके मार्कशीट में लिखे हुए हैं उन सब की एग्रीगेट परसेंटेज जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें बता देना, क्योंकि वो आपसे एट द एंड ऑफ द डे आपकी मार्कशीट मंगवाएंगे एंड वो खुद चेक करते हैं इस चीज़ को कि आपने जो परसेंटेज बताई है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो अपनी 75 को 80 लिखाते हैं एंड 85 को 90 लिखाते हैं, 95 को वो 99 भी लिखाते हैं, तो ऐसा मत करना। 1-2% का भी उसमें गोलमाल करने की कोशिश मत करना, यू विल एंड अप इन बीइंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, उसको मत करना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो मेरी जर्नी पे, so you can subscribe to this channel and also you can follow me on Insta. This was it for today's video. I hope you liked it and I'll see you in the next video. Wish I could say I was finally over you.